तो चैनल सिद्धार्थ को लेके बायस कैसे, बाहर सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहा है, सो डू यू थिंक द सेम वे? या आई थिंक द सेम वे, घर का जमाई लगता है वो मुझे. I think they are totally biased towards Siddharth, and I feel Rashmi is being targeted. उसको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, प्रोफेशनली, पर्सनली उसको टारगेट किया जा रहा है. ऐसी ऐसी चीज़ों को बाहर लेके आया जा रहा है, लाइक द रिलेशनशिप विद अरहान, जो उसकी बातें हुई हैं, जो उनके आपस की रिलेशन है, जो अरहान की प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, अब उसको कैसे लेके आ सकते हो? दे वर टॉकिंग अबाउट सम लोन शिट और समथिंग, सॉरी, टॉकिंग अबाउट लोन थिंग्स एंड ऑल. मुझे समझ नहीं आया क्यों बात कर रहे हो आप किस बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे. दीज आर नॉट द थिंग्स टू डिस्कस अबाउट. ये मैं नहीं जानता, वो उसने सही किया है नहीं किया है, बट जो भी वो कर रही है राइट नाउ वो सही कर रही है, एंड आई थिंक शी इज़ अ ट्रू विनर. क्योंकि मुझे आई थिंक उसने सही किया, क्योंकि शी, आई थिंक बिग बॉस हाउस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली टेस्ट योर सेल्फ. दीज आर द एक्सट्रीम सिचुएशंस, आप एक्सट्रीम कंडीशन में आप कैसे बिहेव करोगे, शी हैज़ गॉट टू नो. आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ कि आप अपने बारे में और जान गए हो यार.